नमस्कार दोस्तों, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 29 दिसंबर 2021, साल का अंतिम दौर चल रहा है और आज मैं आपको बताता हूँ अलवर प्याज मंडी में प्याज के क्या भाव रहे, क्या आवक रही। तो आज जो प्याज में अलवर की प्याज मंडी में जो प्याज की आवक है वो सारे दिनों से आज बिल्कुल कम देखने को मिली। मुश्किल से दोनों मंडियों में मिलाकर 5000 कट्टे देखने को मिले हैं। और दोस्तों यदि भाव की बात करें तो प्याज का जो भाव है आज 400 रुपये मण से लेकर 900 रुपये मण तक बेचा गया है। इन्हें की भाव में कुछ सुधार था कल के बजाय, लेकिन आवक ना के बराबर थी। और दोस्तों यदि आपको मैं कुंटल के हिसाब से प्याज का भाव बताऊं, क्योंकि प्रदेश की काफ़ी मंडियों में कुंटल के हिसाब से प्याज को बेचा जाता है, तो 1000 रुपये कुंटल से लेकर ऊँचे में 2200 रुपये कुंटल तक प्याज को बेचा गया है। यानी जो टॉप क्वालिटी की प्याज थी वो 2200 रुपये कुंटल तक प्याज को अलवर में बेचा गया है। दोस्तों काफ़ी मंडियों में भाव किलोग्राम से बताए जाते हैं, तो यदि मैं आपको प्याज के जो लाल प्याज के थोक भाव किलोग्राम के हिसाब से बताऊं, तो 8 रुपये 10 रुपये से लेकर ऊपर में सुपर क्वालिटी की प्याज है जो 20-22 रुपये किलो तक थोक भाव में बेचा गया है। यानी कि मण के हिसाब से बताऊं तो 400 रुपये से लेकर ऊँचे में 900 रुपये मण तक प्याज को बेचा गया है। कुंटल के हिसाब से 1000 रुपये कुंटल से लेकर 2200 रुपये कुंटल तक प्याज को बेचा गया है। और किलो के हिसाब से यदि भाव बताएं तो 8 रुपये किलो से लेकर 20-22 रुपये किलो तक थोक भाव में प्याज को बेचा गया है। दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपको अलवर प्याज मंडी के भाव लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बोलते रहो, मैं 6000 तक की गिनती जानता हूँ। बोलो भैया जय। 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5.5 5.5। क्या सुभाई, तेरे को क्या काम दे रखा है मैंने? आजाद किसी ने कोई छड़ गया तो पाव तेरा टूटेगा। 600 रुपया मैं गुलशन देहरादून चलो भाई।